बड़ी खबर आपको बता दें, शहनवाज उर्फ बद्दू की थाने कोर्ट में पेशी हुई है। यूपी पुलिस बद्दू की ट्रांजिट रिमांड की मांग इस दौरान करेगी। थाने से एरोप्लेन से गाजियाबाद लाएगी यूपी की पुलिस। कल महाराष्ट्र के रायगढ़ से पुलिस ने बद्दू को गिरफ्तार किया था। मुंब्रा पुलिस ने थोड़ी देर पहले उसका मेडिकल भी कराया। तस्वीरें आपके सामने है। बद्दू पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और अब जैसे कि बताया जा रहा है कुछ देर पहले उसका मेडिकल भी करा दिया गया है। कल महाराष्ट्र से रायगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तस्वीरें आपके सामने। इस बीच थोड़ी देर पहले जब शहनवाज को कोर्ट में लाया गया उस वक्त टीवी 9 रिपोर्टर राजीव सिंह भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने बद्दू की हर साजिश का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं थाने कोर्ट से उनकी रिपोर्ट। धर्मांतरण केस में आरोपी शहनवाज को यहां पर थाने कोर्ट में लाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही बहन है जिसमें शहनवाज उर्फ बद्दू जो है लाया गया है। फिलहाल थाने कोर्ट में शहनवाज की पेशी होगी और उसके बाद में गाजियाबाद पुलिस जो है वो बद्दू उर्फ शहनवाज को ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद में गाजियाबाद लेकर जाया जाएगा, जहां धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट को लेकर पूछताछ की जाएगी बद्दू से कि आखिर में किस तरह से ये पूरा का पूरा गेमिंग ऐप के जरिए एक धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता था, उसको लेकर जानकारी निकाली जाएगी और इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह से ये पूरा रैकेट जो है वो चलता था, इसके अलावा और किन लोगों को अभी तक धर्मांतरण का शिकार बनाया गया है, ऐसे कितने लोग हैं जितने लोगों को टारगेट किया गया था, फिलहाल कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जाया गया है। थोड़ी देर में ही यहां पर जज के सामने पेश किया जाएगा और गाजियाबाद पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद जो है गाजियाबाद पुलिस यूपी लेकर जाएगी बद्दू उर्फ शहनवाज को। फिलहाल इस पूरे मामले में शहनवाज की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही, क्योंकि शहनवाज वही शख्स है जो कि लगातार डेटिंग ऐप के जरिए गेमिंग ऐप के जरिए जो है पीड़ित से जुड़ा हुआ था और उसने एक ही नहीं बल्कि अलग अलग गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया था और उसके जरिए जो है इस्लामिक लिटरेचर को लेकर कहता था कि आप इसका इस लिटरेचर को पढ़िए, इसके बारे में जानिए, जाकिर नाइक की स्पीच जो है उसको सुनने के लिए कहता था और इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं और भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिश दाम के साथ राजीव सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, ठाणे।